हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद अब सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह कहां होगा और कब होगा, इस पर भी लगभग सहमति बन चुकी है। लिहाजा समय और जगह तय होने के बाद अब मंत्रिमंडल की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ लिया है। हालांकि अभी तक हरियाणा का अगला सीएम कौन होगा, इस पर भी असमंजस बना हुआ है। लेकिन 17 अक्टूबर को पंचकूला में शपथ ग्रहण के बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी। उससे पहले जो मंत्रियों के संभावित नाम हैं, आइए इस रिपोर्ट में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। हरियाणा में नई सरकार का मॉडल क्या होगा, माने कितने मंत्री होंगे, डिप्टी सीएम भी होगा क्या, इस सब पर अभी तक जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है उसमें मुख्यमंत्री के साथ 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या 2 से 3 हो सकती है। वहीं महिलाओं के साथ जाति और क्षेत्रीय समीकरण पर भी बीजेपी का खासा फोकस रहेगा। माना जा रहा है कि जिस जाति से जितने ज्यादा विधायक जीतकर आए हैं उनको उसी हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी की कोशिश है कि हर लोकसभा से कम एक मंत्री जरूर बनाया जाए। ऐसे में हरियाणा में 10 लोकसभा हैं, तो माना जा रहा है कि हर लोकसभा से एक मंत्री देकर 10 मंत्री बनाए जाएंगे। वो कौन से संभावित 10 मंत्री होंगे उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले कृष्णपाल पवार की बात कर लेते हैं। पवार ने पानीपत की इसराना विधानसभा से चुनाव जीता है और जातिगत समीकरण की बात करें तो वे दलित समाज से आने वाले बड़े नेता हैं। माना जा रहा है कि इनको मंत्री बनाकर दलितों को साधने की कोशिश की जाएगी। अगला नाम महिपाल ढांडा का सामने आ रहा है। ढांडा पानीपत ग्रामीण से लगातार 3री बार विधायक बने हैं। वे जाट समाज से आते हैं और पिछली सरकार में भी ढांडा पंचायत मंत्री रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी उनकी दावेदारी मजबूत है। एक फैक्टर और सामने आ रहा है, इसके मुताबिक ढांडा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी भी बताए जाते हैं और उनके संसदीय क्षेत्र से भी आते हैं। तीसरा और इस बार सरकार में जो बड़ा नाम शामिल होगा उसकी बात करें तो सुनील सागवान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। सागवान जेल अधीक्षक रहे थे और चरखी दादरी से बीजेपी ने उन्हें टिकट दी, जहाँ से वे जीतकर भी आए। वहीं सुनील सागवान पुराने राजनीतिक परिवार से हैं। उनके पिता सतपाल सागवान पूर्व मंत्री रह चुके हैं और ये जाट बिरादरी से आते हैं। जाट दलित के बाद ओबीसी चेहरे को लेकर जो चर्चाएं हैं उसके मुताबिक रणवीर गंगवा को बतौर ओबीसी चेहरे होने के नाते कैबिनेट में जगह मिल सकती है। गंगवा के बारे में आपको बताएं तो वे हरियाणा में बड़ा ओबीसी चेहरा हैं और कुमार समाज से आते हैं। इन्होंने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कई कार्यक्रम किए और बरवाला में पहली बार कमल खिलाया है। वहीं गंगवा मनोहर लाल और नायब सिंह सरकार में डिप्टी स्पीकर के पद पर भी रह चुके हैं। अगले नाम की ओर बढ़ते हैं तो माना जा रहा है कि पूर्व सांसद अरविंद शर्मा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं और अमित शाह के नजदीकी हैं। इनका नाम सोनीपत जिले से मंत्री की रेस में चल रहा है। शर्मा के राजनीतिक बैकग्राउंड की बात करें तो वे 2019 में रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को हराकर सांसद बने थे और इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली, लेकिन पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में गोहाना से टिकट दी और अरविंद शर्मा ने यहाँ से जीत भी हासिल की। लिहाजा इनका नाम भी मंत्रियों की लिस्ट में चल रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं। एक नाम फरीदाबाद से भी सामने आ रहा है जो विपुल गोयल का है। गोयल फरीदाबाद से विधायक चुने गए हैं, हालांकि ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं। मनोहर लाल के कार्यक्रम में विपुल गोयल उद्योग मंत्री रहे। गोयल केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के करीबी नेताओं में से एक हैं, लिहाजा इनका भी नाम चर्चाओं में है और कहा जा रहा है कि इनको भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं एक नाम कृष्ण वेदी का भी सामने आ रहा है। वेदी वाल्मीकि समाज से आते हैं और 2014 में शाहबाद से विधायक चुनने के बाद मनोहर सरकार के पहले टर्म में मंत्री बने। वेदी के बारे में बताएं तो कहा जाता है कि वे नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल दोनों के ही करीबी हैं, लिहाजा इस सरकार में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। उधर अहिरवाल क्षेत्र में आ जाते हैं तो लक्ष्मण यादव को मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं हैं। यादव रेवाड़ी से विधायक बने हैं जिन्होंने कांग्रेस नेता चिरंजीव राव को हराया है। इससे पहले लक्ष्मण कोसली से विधायक रह चुके हैं। एक और मंत्री की बात कर लेते हैं तो बिमला चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि इनको इस बार कैबिनेट में जगह मिल सकती है। राव इंद्रजीत के नज़दीकी होने के साथ महिला भी हैं, वे रिजर्व सीट से विधायक चुनी गई हैं इसलिए, और बिमला चौधरी का नाम सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है। एक नाम श्याम सिंह राणा का भी सामने आ रहा है। राणा यमुनानगर की रादौर विधानसभा से चुनाव जीते हैं और राजपूत जाति के कोटे से मंत्रिमंडल में इनको जगह दी जा सकती है। इनकी गिनती नायब सिंह सैनी के करीबियों में होती है।
तो कुछ ये 10 संभावित मंत्रियों के नाम थे। अब बात कर लेते हैं स्पीकर के पद की। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी स्पीकर का पद किसी विश्वासपात्र और अनुभवी व्यक्ति को देना चाहती है, क्योंकि बीती सरकार में रहे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में अब इस पद के लिए बीजेपी नए चेहरे की तलाश में है। माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा में इसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो अनिल विज की बताई जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि अनिल विज को बतौर स्पीकर के पद पर जगह मिल सकती है। हालांकि इस फेहरिस्त में कई और नाम शामिल हैं, जिसमें हरविंदर कल्याण या कृष्ण बेदी को भी स्पीकर बनाया जा सकता है, क्योंकि स्पीकर पद के लिए कहा जा रहा है कि एससी विधायक पर भी दांव खेला जा सकता है। अंत में एक बात और आपको बता देते हैं कि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने की वजह से कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम का पद खाली रहेगा और जरूरत के हिसाब से ही इस पद पर कोई फैसला होगा। खैर, आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है और कौन से वो नाम है जो मंत्री बनाए जा सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।